हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं आज के टाइम में इंस्टाग्राम वगैरह और सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा माहौल चल रहा है। इंस्टाग्राम पे काफ़ी लोग बहुत फेमस हो रहे हैं, काफ़ी इनके फॉलोअर्स वगैरह हैं, तो कुछ लोग उसके नाम से स्कैम भी करते हैं। आज जो हम बात करेंगे वो करेंगे इंस्टाग्राम पे किस तरह से किसी बड़े यूट्यूबर किसी इन्फ्लुएंसर के नाम से स्कैम किया जाता है, और मैं आपको विद प्रूफ दिखाने वाला हूँ, कुछ स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा कैसे बड़े यूट्यूबर के नाम से लोग स्कैम कर रहे हैं। और ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप ऐसे स्कैम से बचें। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ तो दोस्तों, आज जो हम बात करने वाले हैं वो इंस्टाग्राम स्कैम के बारे में करने वाले हैं। कुछ लोग किस तरह से दूसरे लोगों का हक मारना चाहते हैं, उनको बदनाम करना चाहते हैं, या उनके नाम का फायदा उठाकर गलत तरीके से पैसा कमाना चाहते हैं। नए जो बिगिनर्स हैं सोशल मीडिया पर, उनको लूटना चाहते हैं, उनको पागल बनाना चाहते हैं, इस बारे में हम बात करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों देखिए, ये हैं मिस्टर मनोज डे। तो ये जो आपने अभी फोटो देखी स्क्रीन पर, इनका नाम है मिस्टर मनोज डे और ये एक यूट्यूबर है। ऑलमोस्ट लगभग 2 मिलियन सब्सक्राइबर इनके होने वाले हैं यूट्यूब पर, और इंस्टाग्राम पे भी इनका अच्छा खासा नाम है। तो दोस्तों यूट्यूब में इनको लगभग सभी लोग जानते हैं। तो अब जैसे इनके फॉलोअर बढ़ने लगे और इन्होंने 1 मिलियन से 2 मिलियन का सफर बहुत ही स्पीड से कवर किया और बहुत नीचे से मेहनत करते करते यहाँ पहुँचे हैं। बहुत ही ईमानदार, बहुत सच्चे आदमी, बहुत अच्छे वीडियोज़ बनाते हैं। आप भी जाके इनकी प्रोफाइल चेक कीजिए, इनके वीडियोज़ देखिए, आपको मज़ा आएगा देखने में। बहुत ही डाउन टू अर्थ इनके वीडियोज़ होते हैं। अब दोस्तों जैसे यूट्यूब पर फेमस हुए, धीरे धीरे इनका इंस्टाग्राम भी ग्रोथ करने लगा। जब इनका इंस्टाग्राम अच्छा ग्रोथ करने लगा तो लोग इनके नाम से पैरोडी अकाउंट, फर्जी अकाउंट इनके नाम से इंस्टाग्राम पर लोगों ने बना लिए और अच्छे खासे फॉलोअर गेन कर लिए। दोस्तों देखिए, इनका जो ओरिजिनल इंस्टाग्राम अकाउंट है वो है मनोज डे 23। ये इनका ओरिजिनल इंस्टाग्राम अकाउंट है जिसको ये खुद रन करते हैं, और इनके नाम से 500 अकाउंट है फर्जी। किसी में आगे पीछे अंडरस्कोर लगा दिया, कहीं डॉट लगा दिया, कहीं कुछ कर दिया, स्पेलिंग को थोड़ा सा DEY की जगह DAY कर दिया, इस तरह से चेंज करके बहुत सारे अकाउंट बना लिए। और उनके भी अच्छे खासे फॉलोअर है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को ये पता नहीं लग पाता है, लोग जस्टिफाई नहीं कर पाते हैं कि कौन सा इनका ओरिजिनल अकाउंट है और कौन सा इनका फेक अकाउंट है। अब देखिए खेल क्या है, लोगों ने इनके नाम से फेक अकाउंट बना लिए। जैसे ये कोई फोटो अपलोड करते हैं, वहाँ से उस फोटो को उठा के खुद अपने वाले पे फर्जी अकाउंट पे अपलोड करते हैं। तो दोस्तों ज़्यादातर बिगिनर्स इस चीज़ को पहचान नहीं पाते और उनको लगता है कि ये इनका ओरिजिनल अकाउंट है, और उस पर जिस तरह कैप्शन डालते हैं वो सारी चीज़ें बिल्कुल ओरिजिनल जैसी होती है। तो दोस्तों जब आप उनको कुछ दिन तक फॉलो करते रहते हैं, उनकी पोस्ट पे लाइक कमेंट शेयर करते रहते हैं, तो उनको थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है। फिर वो क्या करते हैं, पोस्ट डाल देते हैं कि मैं सबका चैनल प्रमोट करूंगा और आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं अपनी डिटेल्स के साथ में। जब आप उनको कॉन्टैक्ट करते हैं तो वो आपसे सीधा पैसा मांग लेते हैं, जबकि उसके हकदार कौन है, मिस्टर मनोज डे। लेकिन इनसे चोरी छिपे या इनको बिना बताए लोग इनके नाम से अकाउंट बना रहे हैं, लोगों से प्रमोशन के नाम पर पैसा मांग रहे हैं। जबकि मिस्टर मनोज डे को मैं भी जानता हूँ, बहुत टाइम से इनकी वीडियो देखता हूँ, ये कभी भी पैसा डिमांड नहीं करते हैं किसी चैनल को प्रमोट करने के लिए। आपको अगर अपना चैनल प्रमोट करवाना है, आप इनको इनबॉक्स कीजिए, अगर इनको आपका चैनल पसंद आएगा, कंटेंट पसंद आएगा, तो ये खुद ही आपका चैनल अपने आप प्रमोट कर देंगे। तो दोस्तों देखिए, ये मैं आपको कुछ स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ। तो दोस्तों देखिए, जो स्क्रीनशॉट मैं अभी आपको दिखाने वाला, ये है _ लगाया हुआ है मनोज डे 23। बिल्कुल मिलता जुलता नाम ओरिजिनल अकाउंट से बना लिया इन्होंने, और अभी ये उस पर हर पोस्ट करते रहते हैं, उनकी वाली उठा के पुरानी आगे पीछे की उसको करके मैनिपुलेट करते हैं चैनल को। और अब इन्होंने एक पोस्ट डाला कि सबका चैनल प्रमोट करूंगा और आप मुझे इनबॉक्स कीजिए। मुझे पता था कि ये फर्जी अकाउंट और ओरिजिनल अकाउंट कौन सा है, वो मुझे मालूम था, तो मैंने सीधा इनको इनबॉक्स कर दी मेरी डिटेल। तो देखिए स्क्रीनशॉट, मैंने इनको क्या डिटेल सेंड की मेरी, ये आपने स्क्रीनशॉट देखा, ये डिटेल मैंने इनको सेंड करी। थोड़ी देर में इनका मैसेज आता है, 1000 रुपीज चार्जेबल, 1000 रुपये इन्होंने मुझसे मांग लिए प्रमोशन के। अब मान लीजिए मैंने इनको 1000 रुपये दे भी दिए, इन्होंने चैनल प्रमोट भी कर दिया, मैं लोगों के सामने भी आ गया, मुझे कुछ सब्सक्राइबर भी मिले, ठीक है। लेकिन दोस्तों तरीका तो गलत है ना, किसी और के नाम से प्रमोट कैसे कर सकते हो आप, किसी और के नाम से पैसे कैसे ले सकते हो। मेरे मन में तो ये रहा, अगर मुझे पता नहीं है तो मेरे मन में ये रहेगा, मनोज भाई ने मुझसे 1000 रुपये लिए थे चैनल प्रमोट करने के, और मैं पूरी जिंदगी उनके बारे में गलत इमेज बना लूंगा मेरे दिमाग में, जबकि ऐसा है ही नहीं। मनोज भाई को पता ही नहीं है कि उनके नाम से कोई इस तरह से फर्जी काम कर रहा है। तो दोस्तों देखिए, इस तरह के फर्जी अकाउंट से आप हमेशा बच के रहिए। उनके नाम से कोई प्रमोशन के लिए उनको मत तो पैसा दीजिए, मत उन चैनल्स को फॉलो कीजिए और उनको रिपोर्ट कीजिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, _ है मनोज डे 23, इसको जाके जो अभी मैंने स्क्रीनशॉट दिखाया था, आप जाके इसे उनको रिपोर्ट कीजिए। ये एक फेक पेज है इंस्टाग्राम के ऊपर मनोज भाई के नाम से, इसको आप रिपोर्ट कीजिए, इसको डिलीट करवाइए, और उनका जो ओरिजिनल इंस्टाग्राम अकाउंट है मनोज डे 23 उसको आप फॉलो कीजिए। तो दोस्तों देखिए, अब बात ये आती है कि ओरिजिनल इंस्टाग्राम अकाउंट को हम पहचाने कैसे, कि कौन सा किसका ओरिजिनल इंस्टाग्राम अकाउंट है। तो दोस्तों देखिए, ओरिजिनल इंस्टाग्राम अकाउंट को पहचानने का सबसे इजी तरीका और बहुत ही बढ़िया तरीका ये है, तो आप जाइए अपने यूट्यूबर या आपके सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के यूट्यूब अकाउंट पे, उनके किसी भी वीडियो में जाइए और इस तरह से देखिए, मैं दिखाता हूँ आपको। तो इस तरह जब आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, तो डिस्क्रिप्शन में लगभग हर यूट्यूबर 99% यूट्यूबर अपने इंस्टाग्राम का लिंक शेयर करते हैं। आप उस लिंक पर क्लिक करके
उनको इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, ना कि नाम से, क्योंकि नाम मिलते जुलते इतना शातिर लोग होते हैं कि स्पेलिंग में ए और ई चेंज करके भी आपको पागल बना देंगे और वो अकाउंट बना लेते हैं और आप उसको जस्टिफाई नहीं कर पाते कि वो ओरिजिनल है या डुप्लीकेट अकाउंट है। तो सबसे ईजी तरीका उनके डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ से लिंक पे क्लिक कीजिए और वहाँ से आप उनको फॉलो कीजिए। तो दोस्तों देखिए ये तरीका हुआ। तो मैं बनाना ही चाहता था किसी का नाम लेके वीडियो, लेकिन मुझे लगा मनोज भाई काफ़ी बढ़िया आदमी है और अच्छे यूट्यूबर हैं, काफ़ी मेहनत से इतना आगे हैं और इनके नाम से अगर कोई गलत काम कर रहा है तो मुझे ये चीज़ लोगों के सामने लानी चाहिए, इसलिए मैंने उनके नाम से वीडियो बनाया। अगर मनोज भाई आपको लगता है मैंने वीडियो गलत बनाया तो मेरी तरफ से आपको सॉरी, लेकिन मेरा कोई गलत इंटेंशन नहीं है वीडियो बनाने का। मेरा इंटेंशन इतना ही है कि और भी लोग अवेयर हों, ये आपके नाम से अकाउंट है, इसके मुझे पता है कि आपके नाम से फर्जी अकाउंट बना के इस तरह काम किया जा रहा है, लेकिन ऐसे हज़ारों या लाखों अकाउंट हो सकते हैं बड़े यूट्यूबर के नाम से, जिसके नाम से लोग फर्जी लोगों से पैसे ले सकते हैं, डिमांड कर सकते हैं और नाम होगा ख़राब उस यूट्यूबर का या उस सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का। इन सब चीज़ों से बचने के लिए, इन सब चीज़ों से अवेयर करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और आपके जो दोस्त हैं उनके साथ में इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल को भी कीजिए सब्सक्राइब, मेरे भी 2-4 सब्सक्राइबर बढ़वा दीजिए, थोड़ा काफ़ी स्लो बढ़ रहे हैं। और जब आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो कम से कम एक लाइक तो बनता है, और अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आया तो आप उसको डिसलाइक भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोस्तों वीडियो को अंत तक देख लेंगे, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।